मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो क्या है चाले भाई लोग, बहुत बढ़िया। तो फिर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉलीवुड के फनी स्टंट्स के बारे में। अच्छा, तो भाई आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, अपने टॉलीवुड वाले भाई जो भी काम करते वो ज्यादा सोच और समझ कर काम करते। हाँ। चलो भी मान लिया कि भाई कोई भी स्टंट में भाई ग्रेविटी की कोई जरूरत होती भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि भाई ये स्टंट है इसमें कुछ भी चलेगा, ग्रेविटी ना हो तो कोई टेंशन नहीं है। सही बात है। लेकिन दोस्तों अगर लॉजिक ना हो तो अंदर दिल से बुरा लगता है भाई। सही बात है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि भाई हमें वीडियो को स्टार्ट कर देना चाहिए, तो करना चलिए शुरू करते हैं। कुछ अजीब ही था ना वो बंदा, मतलब कार लेके आता है उसके अंदर से कूद जाता है, फिर कार सीधा उड़ते 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 सीधा हेलीकॉप्टर से जाकर टकराती है। मतलब क्या भाई, ये क्या था भाई, जा पूछ क्या। अरे भाई ये आजकल तो भाई ऐसे छोटे बच्चे भी ऐसा खेल खेलते हैं, हेलीकॉप्टर को क्रैश करने वाला वो भी कार से। What? भाई मेरा मतलब था खिलौने से। अच्छा भैया कर लो भाई, कर लो जो भी नाटक करने है, ड्रामा करने है, नौटंकी करनी है, हमें कर लो, क्योंकि भाई इन लोगों ने भाई ना रोड पे चलने का लाइसेंस लिया ही नहीं है, इसलिए ये लोग चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकते। गाड़ी चलानी हुए तो भाई हमें चलाएंगे, ग्रेविटी की क्या जरूरत है। सही बात है। क्योंकि भाई ये ना ग्रेविटी इनसे डरती है, लेकिन दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लाइसेंस इन लोगों ने हवा का ले रखा है तो फिर ग्रेविटी से कौन डरता है। मैं कंफ्यूज हूं, कमेंट में बताना, कोई बात नहीं आराम से सोच के बताना कि भाई कौन किस से डरता है। ठीक है। तो आप लोग मुझे बताओ कि दोस्तों ये आप लोग के रेलवे ट्रैक पर आपकी गाड़ी फंस चुकी हो, आजू बाजू दो कार हो और साइड में से ट्रेन आ रही हो, तो आप लोग क्या करोगे भाई। पहले तो उसकी ट्रेन को दिक्कत ही फट जाएगी, फिर दोस्तों वो बचने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा कम होते, लेकिन फिर भी ये भाई साहब कैसे बच जाते पता नहीं। तो फिर दोस्तों वीडियो को ध्यान लगा कर देखना। रुको जरा, सबर करो, बच गया। एक बार फिर से वीडियो स्लो मोशन में प्ले करके देखो। चलिए शुरू करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। भाई पहले तो उस बंदे के लिए भाई तालियां बजनी चाहिए, इस बंदे के लिए भाई एक तोप की सलामी मिलनी चाहिए मेरी तरफ से। और ये लोग ऐसा सीन दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं पता नहीं भाई, पता तो मुझे भी नहीं चल रहा। स्लो मोशन में वीडियो को देखने के बाद मुझे पता चला कि भाई ये बंदा बचा कैसे, इतना भयंकर तरीके से कार का एक्सीडेंट हुआ और कार ट्रेन की स्पीड कितनी ज्यादा फास्ट थी वो आप लोग जानते हुए होंगे। सही बात है। वीडियो को रिपीट कर स्लो मोशन में देखा उस बंदे ने, तब उस बंदे का भाई होश उड़ गए। भाई वो विलन तो मन ही मन यही सोच रहा होगा ना कि भाई ये बंदा तो सुपर हीरो का भी बाप निकला। सही बात है। भाई ये कैसा स्टंट है भाई, कोई बंदा स्टंट करता तो भाई कार के अंदर बैठ के कर रहा, लेकिन नहीं ये भाई साहब ने तो भाई कार के बाहर बैठ के काम चला लिया। और तो और भाई कार को लैंड करवाने के बाद कार जब जमीन में पटकती है ना भाई, अंदर बैठा भी आदमी हिल जाता है, और ये भाई साहब तो बाहर बैठ कर भी नहीं हिल रहे और आराम से बैठे हुए। भाई मुझे तो बैठा हुआ लग भी नहीं रहा है, ये बंदा तो भाई चिपक गया ऐसा लग रहा है। सही बात है।
साउथ इंडियन वाले लोग ना भाई इतना स्पीड में काम करते हैं ना कि भाई इनकी कोई हद नहीं है। सुपर हीरो भी इनके सामने भाई फेल हो जाएगा, सुपर हीरो और फ्लैश भी। उस औरत को उस आदमी ने भाई धक्का दे दिया, भाई धक्का ऐसे दिया जैसे कि भाई समझो बिल्डिंग पर से वो औरत गिर रही और सुपर हीरो आकर उसको बचा रहा। भाई इस सीन को देखने के बाद बेचारा सुपर हीरो क्या बोलेगा, निकल पहली फुर्सत में निकल। भाई टॉलीवुड की बात आई गई है तो भाई एक आदमी को आमंत्रण नहीं देंगे तो भाई वो उनको तो बुरा लगेगा ही ना। भाई वो कौन है मैं बता देता हूँ, अपने बाला किशन जी यार, क्यों नहीं पहचानते। दोस्तों मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि बाला किशन जी भाई सिर्फ बीच रास्ते पर चलने वाला स्टंट दिखाएंगे। ऐसा स्टंट तो भाई आजकल के छोटे बच्चे भी कर लेते दिन में 10 बार। रुको जरा सबर करो। ये हुई ना बा। अरे वाह भाई वाह, मान के भाई बाला किशन जी आपको तो भाई मैं आप फुल टल्ली थे दारू पीकर। भाई ये भाई साहब इतनी ऊंचाई से नीचे गिर रहे हैं लेकिन फिर भी ये भाई साहब कैसे बच जाते इसी एक कड़े की वजह से। भाई मुझे तो लग रहा है कि व्योड़ा की पीकर भी हो उसमें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, सुना रहा। भाई इस सीन को देखने के बाद मुझे पक्का यकीन हो गया कि भाई इन लोगों ने ना रोड पे चलने का लाइसेंस लिया ही नहीं है बल्कि हवा में उड़ने का लाइसेंस लिया है, क्योंकि रोड पे तो भाई पंछी चलते हैं। ये लोग कैसे लोग हैं, पंछी को जमीन में उड़ाना चाहते और हम इंसान जाति को हवा में। बॉलीवुड वालों के भाई कभी खून में आग होती कभी जूते में भाई मतलब। और तो भाई पास में पेट्रोल पंप की टंकी है, मतलब उसमें आग नहीं लग गई क्या। और तो जो सामने से बंदा दौड़ दौड़ के आ रहा है उस बंदे को भाई एक बुक्का मारेगा और वो बंदा उड़ता 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 रहेगा हवा में। तो पास में पेट्रोल पंप का भाई ट्रक फट गया। और तो और भाई ये भाई इतनी ज्यादा आग फैलने के बावजूद भी ये भाई साहब कैसे बच जाते पता नहीं। ऐसा भी कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी चलती ट्रक पर भाई बाइक चलाना भाई कोई आम बात थोड़ी है। और हाँ ये भाई साहब तो भाई और तो ये भाई साहब तो भाई ट्रक के ऊपर ही बाइक चलाना शुरू कर देते जैसे कि भाई ये ट्रक नहीं बल्कि रोड हो। इन भाई साहब ने भाई रोड पर चलने का लाइसेंस नहीं बल्कि ट्रक पर चलाने का लाइसेंस ले रखा है। और बाकी सब एक्टर्स ने भाई हवा में उड़ने का। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दोस्तों मुझे आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि भाई ट्रक से भी ज्यादा फास्ट बाइक चलती है या फिर ट्रक चलते है। ठीक है भाई ये कैसा स्टंट है। उन विलनों को मालूम है कि भाई ये बांस के डंडे भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, भाई फिर बाद में बर्बाद क्यों कर रहे हो। कल घास चलने गई है फिर कुछ छोड़ के आयो, क्या गुंडा बनेगा रे तू। भाई आगे क्या आता है आप लोगों को खुद देखना होगा अपने हीरो का हेवी ड्राइवर वाला स्टंट। ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। हाँ भैया 100% मजाक ही हो रहा है, ये भाई साहब तो भाई मजाक कर रहे हैं। ऐसा स्टंट देखा को पब्लिक को क्या साबित करना चाहते हैं। हम गधे भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी भाई ये सिर्फ ज्यादा नहीं मतलब बहुत ज्यादा हो चुका है, मतलब हद की लाइन सब पार कर दी इन लोगों ने। लॉजिक और ग्रेविटी के भाई बिल्कुल भी इज्जत नहीं दिख रही मेरे को इधर तो। सही बात है भाई, हमारे इंडिया में इतने तेजस्वी लोग इतने शानदार दिमाग वालों के लिए कुछ तालियां बननी चाहिए। क्यों नहीं भाई हमारे यहाँ तालियां ऐसे ही बजती है। तो भाई आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी मजा आई हो ना वीडियो में तो हाँ लाइक करने में बिल्कुल सोचना भी मत, ठोक देना लाइक। और हाँ ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सोचो मत दोस्तों, कर दो यार आंख बंद करके।